हाय हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी। कितने लोग? दो लोग में रोटी बनाएंगे। महाराष्ट्र में ऐसे नहीं बनती है, यूपी में ऐसे ही बनती है। आज हम यूपी स्टाइल से रोटी बनाएंगे। थोड़ा सा हमने आटा दिया है जिससे चार से पांच रोटी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनानी हमको। दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा नहीं चाहिए, आप लोग ज़्यादा नहीं बनाना तो बना सकते हैं। ऐसा आटा हमने थोड़ा सा दिया है, फिर इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के गूंथेंगे। आटा दिखाने वाला है, थोड़ी देर और गूंथेंगे हम। फिर इसको गूंथ के 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, आटा सेट हो जाएगा, फिर हम रोटियां बनाएंगे। और महाराष्ट्र में जो रोटी बनती है उसमें क्या होता है, आयर डाल के आटा गूंथा जाता है, बट हम इसको आयर डाल के नहीं। थोड़ी देर उसको गूंथेंगे, फिर इसका 5 से 10 मिनट से रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। थोड़ा सा सेट होने से क्या होगा कि आटा जो रोटी बनेगी वो एकदम क्लीन और अच्छी सॉफ्ट बनेगी, और ज़्यादा देर तक रखने पे रोटी वैसे की वैसी सॉफ्ट और बनी रहेगी। तो हम आटा गूंथ चुके हैं, अब हम इसको रख देंगे 5 से 10 मिनट, फिर सेट हो जाएगा, फिर हम रोटियाँ इसकी बनाएंगे। ऐसे करके इतना आटा 4-5 रोटी बनाने के लिए काफ़ी है दो लोगों के लिए। अब इसको हम गूंथ लिए हैं, इसको हम थोड़ी देर फिर ढक के रख देते हैं किसी बर्तन पे। ऐसा इसको ढक दिया है, ढक के रख देते हैं 10 मिनट बाद इसको फिर बनाएंगे। तो अब हमारा आटा ढक हो गया है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया और कितना सॉफ्ट आटा बना हुआ है। ये देखिए आप लोग, तो फिर से मसल लेंगे इसे। आटा हमारा एकदम गूंथ स्मूथ तैयार हो गया है। और रोटी बनाने पर वैसे थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे थाली में, या फिर जैसे भी आपको सूखे डर लगे वैसे आप ले सकते हैं, वैसे दे देते हैं। थोड़ा सा ले लेंगे और हम गैस जला के तवा पर रख देंगे, चूल्हे पर वो गर्म होता रहेगा, और फिर उनका लोइया बनाते रहेंगे। तवा हमारा जब तक गर्म होगा तब तक हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। थोड़ा सा आटा लगा के चकला के सूखा आटा, फिर इसको वैसे छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। ऐसे ऐसे छोटी छोटी लोई हम जैसे बना रहे हैं, छोटी छोटी लोई बना के फिर हम इसकी, ये देखिए ज़्यादा बड़ी लोई है नहीं बना, अगर आपको बड़ी रोटी चाहिए तो आप बड़ी लोई बना सकते हैं, मुझे तो छोटी छोटी रोटी पसंद है, मैं छोटी लोई। और मैंने गैस पे तवा भी रख दिया, वो गर्म हो रहा है, और आप वही लोई देख सकते हैं कितनी सी रोटी आटे में कितनी रोटियाँ बना पा रही हूँ। इतने आटे में मैंने करीब 6-7 रोटियाँ बना ली हैं। ऐसे हम छोटी छोटी लोई बना लिए हैं, और फिर उसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के फिर उसको ऐसे उंगलियों से प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। आटा लगाने वाले से थोड़ा सा ऐसे हाथ से कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा आटा लगा रहता है इसमें वो ऐसे झल जाएगा, फिर हम इसको उंगलियों से ऐसे प्रेस कर लेते हैं। ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे झाड़ देंगे हम, ऐसे कर देंगे तो फिर जो एक्स्ट्रा आटा लगा रहता है आटे वो निकल जाता है। इससे क्या होता है, रोटियाँ जो हमारी एकदम क्लीन बनती है और अच्छी भी लगती है देखने में। नहीं तो बनने के बाद एक्स्ट्रा आटा अगर लगाया जाता है ना तो वो क्या होता है कि रोटी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती देखने में। फिर हल्के हाथ से इसको ऐसे बेलेंगे, अगर हम हल्के हाथ से बेलेंगे तो हमारी रोटी एकदम गोल और अच्छी बनेगी। जब भी हम सूखा आटा लगाएंगे तो उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से कर देंगे तो एक्स्ट्रा आटा जो रहता है वो निकल जाता है। हमने रोटियाँ बेल ली हैं, और अब तक हमारा तवा भी देखिए गर्म हो गया है, हम इसको ऐसे इसको डाल देंगे। जिस बर्तन में हम रोटी को रखते हैं ना उसमें से कोई छोटा सा तौलिया या फिर जो भी आपके पास है छोटे से कपड़े रखने से क्या होता है कि रोटियाँ ख़राब नहीं होती, वरना वो भाप से नीचे की रोटी भीगी गीली हो जाती है और ख़राब भी हो जाती है। रोटी भी खाने ऐसे हो गर्म हो तवे पर डाले, मैंने फिर इसको वैसे पलट लेंगे, और जब तक हमारी रोटी पक रही है तब तक हम दूसरी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। आप लोग ध्यान से करिएगा, जो मतलब जब भी आटे में रोटी लगा रोटी में आटा लगाया तो इसको ऐसे झाड़ के ही ऊपर है। हम लोग जैसे जब रोटियां बनाएंगे सेकने के लिए तो ऐसे जितनी बड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी, और हम इसे सेक रहे हैं।
आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट आटा रखने से रोटी इतनी अच्छी फुली नहीं बनती है। दूसरी रोटी तवे पर डाल देती हूँ, सारी बेल के पलट लेती हूँ थोड़ी देर बाद। रोटी को तब पलटने के बाद ऐसे हल्के हाथ से या फिर चिमटे से भी, जैसे चिमटे से। अभी हमारा गैस ज़्यादा लो ही रखी हुई, वरना रोटियाँ तवे पे ही जल जाती हैं। और ऐसे जैसे किनारे को प्रेस कर लेंगे ताकि किनारा रहता है ना तो आज पानी फूट जाता है, अच्छे से हो जाता है। फिर जब हमें रोटियाँ फुलानी होगी हम गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे और रोटियों को ऐसे फुला लेंगे। हमने दो रोटी बना ली है, अब तीसरी रोटी बनाएंगे। ये चौथी रोटी बिल्कुल तैयार है। देखिए ऐसे किनारे उठी हुई है, ऐसी रोटियाँ उठ जाती है जैसे हम चिमटे से हल्का हल्का प्रेस कर लेते हैं तो जो किनारा हो जाता होता है ना वो अच्छे से पक जाता है, जो किनारी ये रोटियों से पकती नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी पीछे रोटी पक चुकी है बैक से भी, और हम इसको सेकेंगे। ये हमारी लास्ट रोटी है, अब इसे बनाते हैं। ये हमारी लास्ट रोटी थी, इसलिए हमने सारी रोटियां बना ली हैं और गैस को बंद कर देंगे। आप चाहे तो इस रोटियां से सादी खा सकते हो, या फिर आपको अगर घी पसंद है तो इसमें घी लगा के भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।